सवाल छोड़ेंगे, कनाडा की नागरिकता भारतीय नागरिकता के लिए क्या वेतन है? भारत उनके लिए सब कुछ है। बिजनौर के चांदपुर में तेज रफ्तार कार ने दो बाइक को मारी टक्कर, हादसे में महिला सहित चार घायल, दो अस्पताल में भर्ती, कार चालक मौके से फरार। चांदपुर जलीलपुर मार्ग की घटना। गांजा तस्करी करते दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, बाइक सहित 11 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद, कीमत लगभग 1,25,000 रुपए। थाना आजाद चौक क्षेत्र अंतर्गत राजकुमार कॉलेज के पास मामला। बुरहानपुर के कॉलोनाइजर और सीके ग्रुप के चेयरमैन राहुल अग्रवाल के घर ऑफिस से पहुंची जीएसटी कड़ी, दस्तावेज की जांच, जीएसटी चोरी की शंका पर की गई कार्रवाई। अविवाहित मां ने नवजात शिशु को फेंका कुएं में, चीख पुकार से मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को मिली सूचना, बच्चे के पास बैठा मिला सांप। बुरहानपुर के शाहपुर क्षेत्र के ग्राम अड़गांव में 200 पौधों का रोपण, ग्राम संगठन ने किया पौधारोपण, पंचायत के सहयोग से किया पौधारोपण, स्वयं सहायता समूह के अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव का भी रहा सहयोग। मित्र में 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी, सरकार को जगाने ढोल नगाड़े बजाकर किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कार्यकर्ता। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, दुल्हा दुल्हन सहित आधा दर्जन लोग घायल, बिजनौर के धामपुर सिहारा मार्ग ग्राम चंचलपुर की घटना। रुद्रप्रयाग में वन विभाग की लाख कोशिश के बाद भी नहीं थम रही जंगलों की आग, जनपद रुद्रप्रयाग के जंगलों में फरवरी माह से ही लगनी शुरू हो चुकी आग, आग से वन संपदा को हो रहा नुकसान। सिवनी मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में चोरी, अज्ञात नकाबपोश युवकों ने चोर की वारदात को दिया अंजाम, मंदिर की दान पेटियां, मां अन्नपूर्णा देवी के जीवरात की चोरी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बरेली में हेलीकॉप्टर से हुई दो बहनों की विदाई, मां के सपनों को पूरा करने के लिए बेटों ने बेटियों को हेलीकॉप्टर से किया विदा, भोजीपुरा के गांव दोहना का मामला। हल्द्वानी में नगर महामंत्री और अनुशासन समिति अध्यक्ष का स्वागत, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इकाई की बैठक, नगर निगम हल्द्वानी सभागार में संपन्न, नगर महामंत्री दीपक अधिकारी दिनेश पांडे को सम्मानित। बलरामपुर में ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव, त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम नवाडीही में 3 माह पूर्व दर्ज 307 के प्रकरण में फरार रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीण, 2022 में जमीन मांगा। बलरामपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा पीएम मोदी के ऊपर की अमर्यादित टिप्पणी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यम जायसवाल के नेतृत्व में थाने में लिखित शिकायत की। बुरहानपुर में होली के आगमन पर धूलकोट में पलाश की बहार, पलाश के फूलों के सजने लगते हैं आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी सुनील के अनुसार पलाश के फूल और पेड़ डंडा गढ़ में करते हैं उपयोग। बुरहानपुर जिले के ग्राम सोनूद में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन, संत श्री राधे चैतन्य जी महाराज ने सुनाई कथा, श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। लखनऊ में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने किया गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन, अखिलेश यादव से माफी की मांग की, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के अपमान का मामला। सूरत के ग्राम सहजादपुर आजम नगर के खेत में मिली युवक की लाश, मोटरसाइकिल के पास पड़ी मिली मृतक की लाश, रात को ससुराल से लौट रहा युवक, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब 27 को, दूसरे दिन भी नहीं हो सका चुनाव, आप भाजपा पार्षदों में जमकर चले रात को से। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान से बचाए 34 लाख जाने, स्वास्थ्य मंत्री बोले 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा, 40 लाख मजदूर को दिया काम। इसरो को गगनयान प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट क्रू मॉड्यूल मिला, पहला स्वदेशी मॉड्यूल VBSS-C किया डेवलप, कई मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा, 13 की मौत, अमित शाह के कार्मिक से लौटते वक्त हुआ हादसा, घायलों को से मिले सीएम शिवराज, मौके पर भी पहुंचे। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन नहीं होगा, CWC का चुनाव, खड़गे को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार, पार्टी के संविधान में संशोधन पर चर्चा। नई टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, 533 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण, विभिन्न कार्यक्रम अनुष्ठान हुए सीएम धामी। चार धाम यात्रियों के लिए जारी होगी नई गाइडलाइन, यूट्यूबर नहीं बना पाएंगे वीडियो, ड्रेस कोड भी हो सकता है लागू।